लोकसभा सत्र में मंत्री के गुमराह बयान पर नाइपर के पूर्व रजिस्ट्रार को बचाने का आरोप। घोटाले को उजागर करने वाले नाइपर से निकाले गए 4 पूर्व कर्मियों का आरोप हाईकोर्ट और सीबीआई के दिशा निर्देश की हुई अनदेखी। यह कहना है डॉक्टर परिषित बंसल, डॉक्टर नीरज कुमार, ले कर्नल एस के तागर और कैप्टन सतीश शर्मा का। सर, जो नाइपर का फ्रॉड था काफी देर से चल रहा था, इसमें मोडस ऑपरेंडी बड़ा सिंपल था। 100 करोड़ के लगभग का घपला है ये, और 2007 से लेके 2012 तक जो फंड आए थे उसी का ये घपला हुआ। कि जो FIR है उसके अंदर जिन लोगों का नाम दिया हुआ है वो है डॉक्टर पी रामाराव, आजकल डीन है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बठिंडा में, इनको सीधे जिम्मेवार ठहराया गया। डॉक्टर के बटानी है, इनका देहांत हो चुका है। फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफिसर मिस्टर मिथाई जोस है, ऑडिट ऑफिसर हरदीप सिंह है, प्रोफेसर सरनजीत का नाम है, अरविंद बंसल का नाम है जो कि 2 प्रोफेसर हैं, और उसके बाद अन्य मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स का नाम है, कुछ प्राइवेट पार्टियों का भी नाम है जिन्होंने सॉफ्टवेयर बेचे। ये जो मेजरमेंट का हमने एक्सपोजर किया, जो हमने प्रूफ सबमिट करे CVO वगैरह को, 2013 में ही हमें निकाल दिया गया। लेकिन जब हमारी आवाज़ नहीं सुनी गई, CBI ने शुरू करा, तो हमने जो जो एलिगेशंस दी थी लिखित में वो CBI ने सच पाई। रात के तीनों साथियों ने मुद्दा बहुत स्पष्ट आपसे कर दिया है कि हमारी सिर्फ ये चाहत है, हमारी डिमांड ये है यहाँ पे कि जो ये हमसे वादा किया गया था 2014 के इलेक्शन से पहले कि करप्शन मुक्त भारत हमें मिलेगा, वो भारत हमें दिया जाए। वो भारत हमें नहीं मिल सकता जब 20 जुलाई को जिस इंसान का कोर्ट ने 5 साल से पेंडिंग जो केस था वो स्टे वकेट किया, उसने 3 बार उसके खिलाफ उस ऑर्डर का रिव्यू भी लगाया, उस एप्लीकेशन को भी डिवीजन स्पेशल डिवीजन बेंच ने खारिज किया। क्या हमारे इतने जो पार्लियामेंट में हमारे देश के चलाने का जिम्मा लेके बैठे हुए लोग हैं, जो मिनिस्ट्री में हमारे सीनियर ब्यूरोक्रेट मंत्रियों के उसकी उस देश को चलाने में असिस्ट करने के लिए बैठे हैं, क्या उनको ये नहीं मालूम कि जब कोर्ट ने एक आदमी को उसकी पोस्ट से रिलीव कर दिया कोर्ट के ऑर्डर ने, वो पार्लियामेंट में अभी भी उसके बाद क्वेश्चन उठा रहे हैं कि उसकी सस्पेंशन रिवोक की जाए। और एक ईमानदार डायरेक्टर जो है, जो इंस्टीट्यूट को सही ढंग से चलाकर रिसर्च के रास्ते पे ले जाना चाहता है, जिसके लिए ये फंड दिए जा रहे थे और अभी भी दिए जा रहे हैं, वो फंड्स रिसर्च पे लगे, जिसने इंस्टीट्यूट में हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ाने के लिए एक कमेटी बनाई, जिसने ये जांचने की कोशिश की। खंडविया जी ने जवाब दिया है वो बिल्कुल मिसलीड किया गया है, हिंदुस्तान के 125 करोड़ लोगों को मिसलीड किया गया है, वो करप्शन फ्री भारत देने वाले प्रधानमंत्री को मिसलीड कर रहे हैं उनके मंत्री। सो मेरी उनसे अनुरोध है, मेरा मोदी जी से, कि भाई इस चीज की प्लीज जांच कीजिए और इसकी तय तक जाइए कि PJP वड़ैच, विश्वामोहन कटोच सेक्रेटरी और हमारे दोनों मंत्री, जो काबिल मंत्री जिन्होंने इतनी इंटेलिजेंस के साथ इतनी ग्रास रूट तक इस इशू के जाके ये इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके फाइनली इतना इल इन्फॉर्म्ड क्वेश्चन फ्रेम किया और उसी का जवाब भी दे दिया। ये फिक्स मैच जो उन्होंने खेला है ना, इसकी वैसे ही जांच होनी चाहिए जैसे मैच फिक्सिंग की हुई थी और इतने सारे प्लेयर जो थे वो हमेशा के लिए क्रिकेट की दुनिया से बाहर हो गए। सो आई थिंक कुछ ऐसी जांच इसकी भी होनी चाहिए ताकि पता चले ये जाल कहाँ तक बुना गया है और कौन कौन इसके बीच के प्लेयर हैं जो इसके सारा फायदा उठा रहे हैं सिस्टम को खराब करने। चंडीगढ़ से नेशन न्यूज के लिए कैमरामैन सुनील कुमार के साथ विनोद प्रकाश की रिपोर्ट। अपडेट्स के लिए नेशन न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूले और नोटिफिकेशन के लिए रेड बेल आइकन जरूर दबाएं।